हल्द्वानी में देर रात बादल फटने से मची तबाही और अतिवृष्टि के चलते आमखड़ी नाले समेत कई इलाकों में भारी जलभराव और मलबा आ गया। इस मलबे की चपेट में आकर कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। बता दें कि रात में ही प्रशासन मौके पर पहुंचकर बचाव राहत कार्य में जुट गया है। जानकारी के मुताबिक वर्तमान में जहां राजस्व विभाग के कर्मचारी नुकसान का आकलन कर आर्थिक सहायता का चेक बांट रहे हैं, तो वहीं नगर निगम जीसीबी व अन्य कर्मचारियों के माध्यम से सड़कों में आए मलबे की सफाई में लगा हुआ है। इसी को लेकर तहसीलदार सचिन कुमार का कहना है कि प्रशासन युद्ध स्तर पर बचाव राहत कार्य में जुटा हुआ है और सफाई में थोड़ा समय और लगेगा, फिलहाल हालात नियंत्रण में है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कल रात लगभग 7 बजे के करीब और आमखड़ी नाले की एक दीवार टूट गई थी, जिससे भारी मात्रा में मलबा और पूरा पानी ये कृष्णा विहार, गायत्री विहार और इस क्षेत्र में भर गया था। सुबह से रात भी बचाव कार्य शुरू कर दिए गए थे। रात ही पोकलैंड मशीन और जेसीबी मशीनें लगा दी गई थी। वर्तमान में भी पोकलैंड मशीन से दीवार निर्माण का कार्य चल रहा है और मलबा शिफ्टिंग का काम भी चल रहा है। इसके अलावा नगर निगम की टीमें रास्तों की सफाई करने में लगी हुई हैं। राजस्व विभाग की टीमें चिन्हीकरण करते हुए सभी लोगों को जो अहतुक राशि है उसका वितरण कर रही है। अभी तक लगभग 86 परिवारों का चिन्हीकरण किया जा चुका है और मौके पर ही चेक वितरित किए जा रहे हैं।